देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ amarujala.com पर। जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, जो आजादी के बाद में कांग्रेस की रीति नीति को समझता है, और हम चाहते हैं कि जनता की ईमानदारी के साथ सेवा करें, जो जनता से वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। इस वक्त देखिए हम पोखरण विधानसभा सीट पर हैं, साले मोहम्मद साहब कांग्रेस के मंत्री और विधायक हमारे साथ हैं। साले मोहम्मद साहब, चुनाव कैसा चल रहा है? देखो मैं ये चौथा चुनाव यहाँ पर लड़ रहा हूँ और दो बार यहाँ से जीत के गया हूँ। पोखरण की जनता का हमेशा प्रेम आशीर्वाद रहा है, स्नेह रहा है, और मैंने दो बार 10 साल में दो बार मैंने पोखरण की जनता के जनसेवक के रूप में सेवा की है। तो लोगों में एक उत्साह जोश है और पहली बार मैं देख रहा हूँ इस चुनाव के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के काम है, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ बोल रहा है। तो जो चाहते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर काम किया है, तो काम के लिए वापस मौका 2023 के अंदर कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अच्छा माहौल है और राजस्थान के अंदर भी सरकार बनेगी और पोखरण भी हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन बहुत से पुराने कांग्रेसी नाराज बताए जा रहे हैं आपसे, ऐसा क्यों? कांग्रेस का कोई व्यक्ति नाराज नहीं है। जो कांग्रेस से जो स्वार्थी लोग होते हैं, कोई पार्टियां छोड़ के जाते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, जो आजादी के बाद में कांग्रेस की रीति नीति को समझता है, वो व्यक्ति कभी कांग्रेस नहीं छोड़ता, वो कांग्रेस के साथ रहता है। इसलिए कांग्रेस का अपने काम किया है और जनता चाहती है कि कांग्रेस के साथ रहें। इसलिए कांग्रेस के लोग जो हैं, तो मैं तो उनको कहूंगा कि आप कांग्रेस के रीति नीति जानते हो तो आप लोगों को कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जिला प्रमुख हो, यहाँ का पार्षद बोर्ड हो, वो सब आपके कार्यकाल में बीजेपी के पास चला गया। मेरा कार्यकाल नहीं, मेरा तो एक विधानसभा सीट है, सीटें ये जिले की होती है, और यहाँ पर जो बोर्ड बना है बराबरी में आया था, एक वोट सीट से ही बीजेपी जीती है, कोई ज्यादा कोई बड़ा हार जीत नहीं हुआ है। और ये नगर पालिका का चुनाव होता है, आपसी चुनाव होते हैं, कई रीजन आ जाते हैं, तो यहाँ का चुनाव अलग था। पर जिला प्रमुख की सीट जो थी वो सीट थी जिले के पूरे के लिए, यहाँ तो जिला परिषद की सिर्फ 8 सीटें आती है, 8 में से हम 5 सीटें जीत के गए हैं, तो यहाँ तो लोगों ने बहुमत दिया हमें। तो महंत प्रतापपुरी जी को यहाँ पर उतारा गया है, क्या ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसके पीछे कैसे देखते? देखो बीजेपी हमेशा तुष्टिकरण नीति अपनाती है और लोगों को भाई भाई से आपस में लड़ाती है, पर आपने देखा कि यहाँ पर लोकल लोग खूब चुनाव लड़ने के लिए, फिर भी महंत जी को बाहर से लाए हैं। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कहता, मैं इतना कहूंगा कि साले मोहम्मद जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, आज चुनाव पार्टियां लड़ रही है, ना कोई व्यक्ति लड़ रहा। तो आज जो पार्टी कांग्रेस के जो काम है, नीति है, लोग उसको देख रहे हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष को देख रहे हैं। इसलिए लोग सब साथ हैं और मैं समझता हूँ जो माहौल है राजस्थान का वो वही माहौल पोखरण में। एक आखिरी सवाल, आप लोग आश्वस्त है कि ये सीट भी निकलेगी और जो गहलोत साहब दावा कर रहे हैं वापसी का, वो पूरा होगा राजस्थान? जो अशोक गहलोत साहब जो कहते हैं ना मिशन 156, वो मिशन हम राजस्थान के अंदर पूरा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जनता की ईमानदारी के साथ सेवा करें, जो जनता से वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। ऐसा नहीं है केंद्र सरकार की तरह हम झूठे वादे करें, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, आज देश में महंगाई डायन बन गई है, तो तमाम मुद्दे देश के पास हैं, पर अभी भारत सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर रही, मोदी सरकार। पर एक तरफ अशोक गहलोत हैं जो महंगाई राज चला रहे हैं, लोगों को लाभ दे रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य ध्यान रख रहे हैं, अब 7 गारंटी और लाने का हम वादा कर रहे हैं, तो हमारी 17 योजना हो जाएगी, धातल उतरेगी। तो मैं समझता हूँ लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। एक आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं 50,000 से ज्यादा वोट यहाँ मुसलमानों का है, 1.5 लाख हिंदुओं का है, ये वोट बैंक की गणित की बात क्यों हो रही है यहाँ पर, सीट पर क्यों चर्चा? वोट बैंक के स्वार्थी लोग बात करते हैं। देखो यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ 36 को हम साथ हैं, मैं 2 बार जीता हूँ, तो वोट तो वही है, तो वोट अलग तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी का वोट है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। ये अपने स्वार्थ के लिए लोग जातिवाद के नाम से बातें करते हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ लोगों का सद्भावना एकता मारवाड़ का पूरे देश के संदेश जाता है, यहाँ लोग हमेशा भाईचारे के साथ रहे हैं और आगे भी भाईचारे के साथ रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी सद्भावना एकता भाईचारा बना रहे और कांग्रेस पार्टी जो ईमानदारी के साथ आम आदमी की सेवा करे। बहुत धन्यवाद आपका साले मोहम्मद साहब, से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। साले मोहम्मद साहब को सुन रहे थे आप, पोखरण में इस वक्त हम हैं, पोखरण विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, जिस ध्रुवीकरण की बात हो रही है उसको नकार रहे हैं, और वोट बैंक का जो गणित है उसके हिसाब से उनका कहना है कि सभी मिलजुल कर वोट देते हैं और इसीलिए वो 2 बार यहां से विधायक बने और 1 बार फिर विधायक बनेंगे। amarujala.com से दिनेश यादव के साथ आदर्श झा। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। मैं हमारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। कांग्रेस की गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी।
उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।